हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन डेस्क ए पाथ ऑफ सक्सेस। मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन डेस्क में। तो दोस्तों, अभी एक नई वैकेंसी आई हुई है जिसके बारे में आपको एक बार क्लियर कर देता हूं कि क्या वैकेंसी है और किन किन लोगों अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सीधे चलते हैं जो मेन ऑफिशियल जो नोटिस आया हुआ था या जो रिक्वायरमेंट का ऑफिशियल पेज है वहां पे चलते हैं, जहां आपको अच्छे से समझा देंगे हम कि क्या क्या है, किस टाइप की वैकेंसी है और कौन कौन अप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम लेते हुए हम सीधे उस पीडीएफ पे चलते हैं जो हमारे पास आया हुआ है। तो ये आप देख सकते हो, ऊपर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एनटीआरओ टेक्नीशियन इन एग्जामिनेशन 2019। और इसकी जो ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट या रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन की जो डेट है वो 2 दिसंबर 2019 से स्टार्ट होगी, यानी कि आपको पता है आज 7 तारीख है, तो इस हिसाब से ये स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म। और इनकी जो लास्ट डेट है वो है 23 दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, 23 दिसंबर लास्ट डेट है, तो अभी काफ़ी टाइम है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो इसमें किस टाइप की वैकेंसी आई है, तो जो पोस्ट नेम ऑफ पोस्ट है वो है टेक्नीशियन ए। इसमें हमारे क्लासिफिकेशन कर रखा है कि जनरल सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप सी, नॉन गैजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल। ये क्लासिफिकेशन बता दिया है कि जो आपकी जिस पोस्ट पे आप लगोगे तो किस पोस्ट पे रहेगा, यानी कि ग्रुप सी पे रहेगा और नॉन गजेटेड लेवल की रहेगी। यहाँ हम पे स्किल की बात करते हैं, तो लेवल 2 का पे मैट्रिक्स दिया जाएगा। जो हमारी सैलरी बनेगी वो बनेगी 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में। अलाउंस एंड अदर बेनिफिट्स, सोशल अलाउंस 20% बेसिक पे कैश, यानी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से बाकी की सारी सुविधाएं मिलती हैं वो भी आपको दिया जाएगा, जिसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा आपको, और इसके अलावा आपके हाउस रेंट अलाउंस, मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मतलब सारी फैसिलिटी आपको दी जाएगी। अब बात करते हैं कि इसमें जो वैकेंसी है वो कितनी है। तो टेक्नीशियन की जो टोटल वैकेंसी है वो हमारी है 71, जिसमें 31 है यूआर की, एससी की 09, एसटी की 05, ओबीसी की 19 और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो वो है 07। और इसमें से 3 नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, जो 3 वैकेंसी हैं वो ओएल तथा एचएस यानी हैंडीकैप्स, हियरिंग हैंडीकैप्स और 1 लैग अफेक्टेड के लिए रिजर्व की गई हैं। द नंबर ऑफ वैकेंसी एंड लेवल टू बी चेंज, यानी कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं वो हमारी कम और ज़्यादा हो सकती हैं। और इसमें साफ लिखा हुआ जो ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है वो 31 जनवरी 2019 से का जो रिक्वायरमेंट पूरा प्रोसेस है उससे पहले का होना चाहिए, यानी कि उसके अकॉर्डिंग बना हुआ होना चाहिए जो 31 जनवरी 2019 को था। अब बात करते हैं क्राइटेरिया, यानी कि इसमें क्राइटेरिया है और यही मेन इसका चीज़ है कि इसमें कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसमें समझ में नहीं आया कि किस टाइप से, क्योंकि जब आप इस फॉर्म को भरते हो तो जब आप ट्रेड और सब्जेक्ट चूज करोगे तो वहाँ ITI आएगा, उसमें ना डिप्लोमा ना बीटेक। जब आप नीचे जाओगे तो और भी बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या रहेगा। तो यहाँ क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो आपके पास 10th होनी चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए, यानी SSCL भी आप कर सकते हो, उसके अलावा 10th अगर कर रखी है। और उसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि ITI की हुई होनी चाहिए और इक्विवेलेंट। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी इसमें एक लाइन जोड़ी गई है, और इक्विवेलेंट, यानी कि और इसके अलावा आपके पास क्या क्या ट्रेड हो सकती है, इनके अलावा जो बाकी की ट्रेड है वो भी आपके पास है अगर हैं ITI के अलावा, तो आप उसमें अपने अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क टेक्नीशियन, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, उसके अलावा हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अलाउंस मेंटेनेंस, एप्लीकेशन मेंटेनेंस और कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग एंड IT एंड कम्युनिकेशन सिस्टम मेंटेनेंस, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स भी अगर आपके पास है ट्रेड, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप ITI, इसके साफ लिखा हुआ है और इक्विवेलेंट है, अगर आपने इसमें डिप्लोमा भी कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिज्म, रेडियो एंड टेलीविजन मैकेनिज्म, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, उसके अलावा हमारी है मैचेट्रॉनिक्स और एक और हमारे इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, यानी कि इलेक्ट्रिकल अगर आपके पास है तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। और उसके ऑब्लिक है इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड हैविंग वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों, यहाँ काफ़ी बड़ा डाउट बना हुआ था, क्योंकि इसमें क्या ITI लिख दिया, फिर उसमें के बाद इक्विवेलेंट लिख दिया। अगर आपके पास इन ब्रांचों में या इन ट्रेड से अलावा अगर आपने कुछ भी कर रखा है
उसके जो ITI के इक्विवेलेंट हम डिप्लोमा को मान के चलते हैं, तो आपने अगर इन ट्रेड्स में कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब इसको अप्लाई करोगे तो स्टार्टिंग में आपसे ट्रेड और सब्जेक्ट मांग लिया जाएगा। उसके बाद जब आप नीचे नीचे जाओगे तो जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो वहां पे एक और ऑप्शन आएगा कि किस किस में आपने ITI किस ब्रांच में कर रखी है। तो वहां पे फर्स्ट नंबर पे एक ऑप्शन आएगा इक्विवेलेंट, यानी कि उसको इक्विवेलेंट भी अगर आपने कुछ भी कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें सर्विस कंडीशन है, द कैंडिडेट अपॉइंटेड एज ए टेक्नीशियन है लेबल टू सर्व थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया में कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, और एंड आउटसाइड इंडिया यानी कि इंडिया के बाहर भी दे सकती है। और ये सैलरी लेवल फील्ड सर्विस होगी, इंक्लूडिंग सर्विस ऑफ सी प्लेटफॉर्म इन रेस्पेक्ट सच ए वर्क मे बी अप्रूव्ड बाय रिकॉग्नाइज पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि सील जो हमारे कोस्टल एरिया है वहाँ पे भी आपको सर्विस दी जा सकती है। और इसकी फुल डिटेल के लिए इन्होंने बोला गया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज 30 नवंबर 06 दिसंबर 2019 विच आल्सो अपलोडेड अंडर एडवर्टाइजमेंट टैब, यानी कि वहाँ पे है। अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो तो आप सीधे गूगल पे सर्च कीजिएगा NTRO। जैसे आप NTRO को फर्स्ट पेज को ओपन करोगे तो वहाँ ऊपर ही ऊपर लिखा आएगा क्लिक हियर। क्लिक हियर पे करती है आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस रहेगा, आपके नाम वाम सब चीज़ डालनी है जो बेसिक डिटेल रहती है। उसके अलावा एक चीज़ याद रखिएगा, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सिग्नेचर फोटो लगेगा। उसके अलावा जो आपके पास 10th की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा जो आप लगाना चाह रहे हो वो, और एक आपका आधार कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड, अगर आप किसी EWS से हैं तो EWS का भी RI ऑप्शन। उन सब का आपको एक PDF बनाना है, मतलब अलग अलग इंडिविजुअली जैसे आधार का PDF बना लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि उस फॉर्म के टाइम अगर आप करोगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, इसलिए आप पहले से प्रिपेयर करके रख लीजिएगा इस चीज़ को PDF। और उसका साइज रहेगा 100 से 200 KB के बीच में। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि बहुत से लोगों को कन्वर्ट करना नहीं आता, फिर साइज रिड्यूस करना। तो अगर आप इस चीज़ को करने में कैपेबल हैं तो ठीक है, वरना बाहर से आप भर लीजिएगा फॉर्म। तो एक बेसिक चीज़ थी, मैंने आपको बता दिया फॉर्म का किस टाइप से। जैसे ही आप इन सब चीज़ों को अपलोड करने के बाद सबमिट करोगे, फिर उसके बाद आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, वही आपका पास फॉर्म अप्लाई का प्रूफ रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये एक वैकेंसी आई हुई थी तो सोच आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए, क्योंकि इस पर काफ़ी सारे डाउट थे, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है ऊपर ITI, मगर नीचे ओपन इसको ओपन करोगे नोटिफिकेशन को तो वहाँ और इक्विवेलेंट भी लिखा हुआ है। और इन ब्रांच में से अगर आपने किसी भी ब्रांच में कर रखा है तो प्लीज़ आप इसको फॉर्म को फिल कीजिए। और इस फॉर्म का फीस कोई भी नहीं लगेगा, यानी कि 0 फीस है, कोई भी फीस नहीं लगेगा। तो आप अप्लाई कर दीजिए, अगर डिप्लोमा वाले में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो जब आपके पैसे नहीं लग रहे हैं तो आपका क्या जा रहा है, आप एक बार फिल कर दीजिए। और इसमें इक्विवेलेंट लिखा है तो 100% श्योर है कि डिप्लोमा इसमें अलाउ है। तो फ्रेंड्स, ये एक ओवरव्यू था जो वैकेंसी आई हुई है, इसकी 23 दिसंबर लास्ट डेट है, तो याद रखिएगा। और आप प्लीज़ इसको फिल कर दीजिए, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। आप सैलरी देख सकते हो, सैलरी भी 19,900 से लेकर 63,200 तक है, और काफ़ी अच्छी जो हमारे अलाउंस एंड अदर बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी जा रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हर किसी के पास ये नोटिफिकेशन जाए और हम जो भी वीडियो बनाते हैं उनकी खबर उनके पास पहले जाए। और हम आपको पता है, हम सबसे पहले कोई भी नोटिफिकेशन आता है हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।